पश्चिमी भारत का एक दूरस्थ जिला बाड़मेर, जहां सुबह होते ही जिंदगी मशीन की तरह दौड़ती नजर आती है। ऐसे में सुबह सुबह नगर परिषद बाड़मेर के सफाईकर्मी शहर को स्वच्छ बनाने में जुट से जाते हैं। देश में जब स्वच्छता मिशन की शुरुआत हुई, तब से इस छोटे से शहर में भी मानो एक जुम्बिश सी चल पड़ी है स्वच्छता अपनाने की। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, आम नागरिक सब मिलकर भारत को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने में जुट से गए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे, बूढ़े और आम नागरिक ही जागरूक हुए हो। विद्यालयों के छोटे छोटे बच्चे, शिक्षक और प्रशासन भी इस पुनीत कार्य में लग गए हैं। शहर को साफ सुथरा बनाने में जुटे नगर परिषद बाड़मेर के अध्यक्ष कुछ यूं बताते हैं। जिस समय भी वार्ड में टैक्सी घूमेगी, उस समय कचरा उसमें डालें, जिससे ये कचरा सीधा शहर से जहां कचरा पॉइंट है वहां चला जाता है, तो वो वार्ड भी साफ सुथरा रहता है। ऐसा नहीं है कि बाड़मेर शहर ही स्वच्छ बनाने का लक्ष्य हो। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर जिला परिषद की जिला प्रमुख कहती हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं भारत के अंदर बाड़मेर जिले को अपन कैसे ODF करवा पाए। और ODF करवाने में भी बाड़मेर जिले की अच्छी भूमिका रही, क्योंकि 194 ग्राम पंचायत है जो हम आज दिन तक ODF कर पाए हैं, और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दूसरी ग्राम पंचायतें हैं वो भी ODF। हमारे यहाँ पे हम कलेक्टर साहब, हम सब मिलकर के जनप्रतिनिधि सब सहयोग कर रहे हैं, इसके अंदर सब मिलकर के हम कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए रथ यात्राओं, रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी स्तर से ही प्रयास हो रहे हो। यहाँ के स्कूली छात्र, स्काउटिंग और NCC के कैडेट्स कठपुतली और नाटकों के माध्यम से भी स्वच्छता का संदेश आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम कचरा करेंगे और हम ही बीमार होंगे। हमारा देश स्वच्छ कैसे हो पाएगा? क्यों नहीं ना? स्वच्छता के इस महाअभियान में जिला प्रशासन, सरकार के समस्त अंग, आम जनता और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ वेदांता केयर ऑयल एंड गैस कंपनी भी इस महाभागीरथी प्रयास में जुटी हुई है। गिड़ा और बाईतू ब्लॉक के कुछ क्षेत्र में शौचालयों के लाभान्वित इस अनुभव को यूं बताते हैं। शौचालय नहीं बने हुए थे, इसलिए महिलाओं और लड़कियों को बहुत परेशान थी। अब जिला परिषद और कैन वालों के द्वारा शौचालय बनने से बहुत लाभ हुआ है। शौचालय बने मैंने मारा आराम हो गया, बारह जानों मिट गया, लोटो लेना है को नहीं, और रुगे टाबर सभी मिल गई है जो लोगों में। आने वाले समय में भारत को विश्व पटल पर शीर्ष स्थान दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारत में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करें। ये तभी संभव है जब हम यहाँ के पर्यटक स्थलों को साफ सुथरा रखें, यहाँ के पर्यटक स्थलों और सांस्कृतिक आयोजनों को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से। संस्कृति कर्मी डॉक्टर BD तातेड़ कहते हैं, अगर घर गंदा होगा मेहमान कहाँ से आएंगे। हमें अगर पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करना है तो हमें अपना घर, अपनी सड़कें, अपने संस्कृति के भवन, अपने बावड़ियाँ, अपने कुएं, अपने तालाब, हमारे जितने भी कला और संस्कृति की जो विरासत है उन सबको साफ करना पड़ेगा। वैसे तो बाड़मेर सांस्कृतिक रूप से देश विदेश में अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन इसको स्वच्छ बनाने में सकारात्मक प्रयासों को लेकर जिला कलेक्टर कुछ यूं कहते हैं। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़ावा है, हैंडीक्राफ्ट्स, वुड क्राफ्ट्स एंड जो वुड वर्क है और लेदर वर्क है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण
ज़िला माना जा रहा है, साथ में HPCL की रिफाइनरी भी इस ज़िले में आ रही है। मैं समझता हूँ कि हम सबके सहयोग से हम बाड़मेर शहर को और साफ़ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ और ज़िले को खुले में शौच से मुक्त और स्वच्छ बनाने में हमारी पूरी पूरी योगदान देते रहेंगे। जिला परिषद के साथ साथ वेदांता केर्न ऑयल एंड गैस कंपनी भी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण में जुटी हुई है। उन्होंने भी अपने स्तर पर कुछ शौचालयों का निर्माण और रख रखाव का जिम्मा लिया है। बाड़मेर जिले में स्वच्छता अभियान के इस कार्य को लेकर वेदांता केन ऑयल एंड गैस कंपनी के हेड फाइनेंस एंड CSR श्री अखिल अग्रवाल बताते हैं। बाड़मेर जिले में स्वास्थ्य स्तर के सुधार एवं प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को बल देने के लिए केन ने जिला प्रशासन के साथ 2014-15 में 25,000 शौचालयों के निर्माण हेतु MOU साइन किया और आज मुझे बहुत ही गर्व है कि हमने 15,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कर लिया है। शौचालयों के निर्माण की गुणवत्ता के साथ साथ उपयोगिता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उपयोगिता के प्रचार हेतु हमने जिला प्रशासन, आम जनमानस, पंचायती राज एवं विद्यार्थियों का खास सहयोग लिया। आज हमें इस बात पर गर्व है कि गीड़ा ब्लॉक बाड़मेर का पहला ब्लॉक है जो खुले में शौच से मुक्त है। वेदांता केन ऑयल एंड गैस ग्रीन बाड़मेर, क्लीन बाड़मेर के प्रति कटिबद्ध है और हम जिला प्रशासन के साथ तटस्थता के साथ इस कार्य में जुड़े रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जहां स्वच्छता है वहां शुद्धता और आनंद है। इस अभियान से जहां सजगता बढ़ेगी वहीं बीमारियां भी दूर भागेगी। जहां अधिकाधिक पर्यटक आएंगे वहीं राजस्व भी बढ़ेगा। बच्चों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाने से आने वाली मजबूत पीढ़ी राष्ट्र को एक नया रूप देगी। आओ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर स्वच्छता के इस अभियान को आम जनता तक ले जाएं और एक सफल जन आंदोलन को साकार करें।